हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे मैसूर बोंडा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बर्तन, एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही आप यहां पर ज़्यादा खट्टा नहीं लेंगे, बस दही को दो दिन या एक दिन का जो रखा हुआ है आपके पास वो ही लीजिएगा यहाँ पर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ही डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इस यहाँ ऐड करिएगा। इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हैंड विस्क लेकर या एक स्पून लेकर। अब हम इसमें डालेंगे दो हरे मिर्च बारीक टुकड़ों में काटकर। मैसूर बोंडे में बिल्कुल भी रेड मिर्च का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ हरी मिर्च का ही यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने लिया हुआ है बारीक टुकड़ों में अदरक काटकर, इसको थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। करी पत्ता डालेंगे, ये भी हमने बारीक टुकड़ों में काट के लिया हुआ है। एक कटोरी हमने मैदा लिया हुआ है, इसको भी इसमें डाल लेंगे। और 80 ग्राम हम इसमें डालेंगे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। इसे बोंडे में बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाएगा। और थोड़ा सा डालेंगे हम फ्रेश धनिया। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसका घोल हम नॉर्मल पकोड़े के लिए जैसे घोल बनाते हैं बेसन का, ऐसा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा टाइट ही यहाँ पर बनाएंगे। मिक्सचर हमने घोल लिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा। इससे क्या होगा, इससे बोंडा बहुत अच्छा फ्लफी बनेगा। इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर हमें इसी कंसिस्टेंसी का रखना है, यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे एक प्लेट में। अब हम बोंडे के लिए नारियल की चटनी बना लेते हैं। पैन रखेंगे एक गैस पर। अब इसमें डालेंगे दो छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा, तीन छोटे चम्मच डालेंगे यहाँ चने की दाल। अच्छे से इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन लहसुन की कलियां। और यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट लिया हुआ है लंबे टुकड़ों में काट कर, इसको भी इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चुटकी हम डालेंगे इसमें हींग। और अब हम इस फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर ली हुई थी चटनी के लिए, इसको अब हम एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधे नींबू का रस
और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इधर हमारी चटनी बनके हो चुकी है तैयार। हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। इधर हमारे बैटर को भी रखे हुए हो गए हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसके बोंडा बनाएंगे। तो बोंडा बनाने के लिए हम सबसे पहले रख लेते हैं कढ़ाई गैस पर। इसमें रिफाइंड ऑयल, ऑयल का गर्म होने तक वेट कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इधर हम थोड़ा सा ऑयल लेकर बैटर में डाल लेंगे और इसको स्पून से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि तेल बहुत तेज गर्म है तो इसे हाथ से नहीं करेंगे बिल्कुल भी मिक्स। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल डालकर। अब हम इसके बोंडा बनाएंगे। इस तरह से हम जितने भी साइज के बनाना चाहते हैं बोंडा उतने ही साइज के बनाते चले जाएंगे। और ये देखिए, ये जैसे ही अच्छे से फ्राई होते चले जाएंगे ये ऊपर आ जाएंगे एकदम तेल में। इनको पलट लेते हैं दूसरी साइड से। इसी तरह से हम इनको पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एक बैच के बोंडे तो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब दूसरे बैच में हम प्याज वाले बोंडा बनाएंगे। जिनको मैसूर बोंडा प्याज वाले खाने पसंद हैं तो यहाँ पर हमने बारीक टुकड़ों में काट कर प्याज लिया हुआ है। इसको डाल लेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून से। मिक्स हमने कर लिया है बैटर को अच्छे से। अब हम इसके भी बोंडा बनाकर तैयार करेंगे। इनको भी अब हम दूसरी साइड से पलट लेते हैं। इनको भी हम इसी तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। दूसरे बैच के भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं बोंडा, इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम जो बैटर हमारा बचा हुआ है उसके भी बोंडा बनाकर तैयार करेंगे। और इधर जो हमने चटनी बनाई थी बोंडा के लिए, इसमें अब हम तड़का लगा लेते हैं। हम रखेंगे इधर तड़का पैन और गैस को करेंगे ऑन। और पैन में हम डालेंगे एक चम्मच कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और साथ ही साथ थोड़े से करी पत्ता। और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको अब हम चटनी में छोड़ लेंगे। और एक स्पून लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे लाजवाब और मैसूर बोंडा बनके एकदम तैयार हैं। साथ में हमने ये कोकोनट चटनी बनाई है, ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।